नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सटी हलचल। जिला होशियारपुर के थाना टांडा के अधीन पड़ते गांव फतेह कला से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुजरों के दो गुटों में कहासुनी के उपरांत हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत जबकि चार लोगों के गंभीर रूप से घायल हो जाने की जानकारी मिली है, जिन्हें उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में भर्ती करवाया गया है। इस खूनी संघर्ष की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची टांडा पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेने के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और परिजनों के बयानों के आधार पर आधा दर्जन से भी अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस खूनी संघर्ष में मौत का ग्रास बने तालिब हुसैन के बेटे राहिम अली ने बताया कि वह श्री हर गोविंदपुर के गाँव संतोष नगर के रहने वाले हैं और फतेह कला में अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे कि इसी दौरान उनके अपने ही 10 से 15 रिश्तेदारों ने किसी पुरानी रंजिश के चलते उन पर हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उनके पिता की मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुने क्या कहा हमारे पत्रकार दीपक अग्निहोत्री से बात करते राहिम अली ने। कौन कौन जैसे प्रोग्राम थे, सारा परिवार था? हाँ जी, परिवार सारा। हेलो हेलो, की नाम है तुम्हारा? साडा नाम राहिम अली जी। राहिम अली जी, की गल बात हुई है? गल बात ये हुई जी, लड़ाई पहले पुरानी से एक बार निबड़ गई जी। इन्होंने साढ़े न 15-20 बंद ने धक्का किया, सानू चार जना कुड़िया ना तो दातरा ना कुटिया। एक बंदा बहुत ही सीरियस है, हले मतलब बोल चाल कोई नहीं है। एक बंद सिर च सट गुजी लग गई। डैथ भी हुई है किसी की? हाँ जी, डैथ हो गई एक बंद की। हुई है जी? डैडी साढ़े। की नाम? तालिब हुसैन। ठीक है जी, कारण की है लड़ाई का? हाँ जी, लड़ाई का कारण की है, क्यों हुई लड़ाई? लड़ाई का कारण जी कोई पता ही नहीं, पुरानी लड़ाई सी, कोई सानू तो कोई पता ही नहीं सी। आपां कट्ठे कट्ठे गए सी, वो 15-20 बंदे सी, उन्होंने सानू घेर के ते ओ रोजे चलन दे ना अपने। हाँ, शाम को रोजा खोल के उन्होंने घेर के सानू कुट लिया। तो वो भी गुजर भाईचारे दे नाल संबंध था? भाई शरीफ साडे। ठीक है, केड़ी जगह लड़ाई हुई? लड़ाई हुई फतेह कोले। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਗਰ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਜ਼ਖਮੀ 3 ਜਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, 4 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਸੂਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ? ਉਹ ਡੈਡੀ। ਠੀਕ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਾਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ 3 ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। उधर थाना टांडा के प्रभारी जबरजीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने आधा दर्जन से भी अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। क्या कहा थाना प्रभारी टांडा जबरजीत सिंह ने, जे भी सुने। की कहना चाहते हैं? ये जी शेरू सन ऑफ लाल दीन वासी फतेहकुल्ला, ये बाप की डेथ हुई है 40 मास से, कोई इन्होंने जरा कोई धार्मिक जो रीति रिवाज मुताबक भोग पैना सी, उस करमदीन सन ऑफ नूर जमाल वासी कोट संत नगर संतोख नगर श्री हर गोबिंदपुर के रहने वाले आ, ये अपने बेटिया नाल इहदा पुत्र आ, होर भी उत्थे काफ़ी जिहड़े लोकी जिहड़े ओह जिहड़ी ओह चल रही सी उहदे विच शामिल होए। अचानक इन्हां दी रात उत्थे किसी गल तो तकरार हो गई, तकरार अजी हुई भी इन्होंने उत्थे जिहड़े बांस जां डांगा लगियां सी उस तों लै के उन्हां दूजी पार्टी ते हमला कर दिता है, जिस नाल तालिब हुसैन सन ऑफ करमदीन वासी संतोख नगर जिहड़ा श्री हर गोबिंदपुर आ इहदी मौके ते डैथ हो गई, ते तीन व्यक्ति होर जख्मी होए आ जिहड़े जिहड़े इलाज सिविल हॉस्पिटल हुशियारपुर आ। सर, किन्ने दोषी जिहड़े फड़े चुके जाके जिन्हां परचा दर्ज होया जी? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੀ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਨੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।